वेलकम बैक टू मामी का मैजिक। हाँ, मैं जानती हूँ कि ठंड का मौसम शुरू हो रहा है एंड धीरे धीरे हमारा ज्यादा मन करता है कि हम गर्म चीजें खाएं, लेकिन कभी कभी कुछ ठंडा खाने का भी मन करता है ना, या फिर ठंडा पीने का। इनफैक्ट मुंबई और गोवा जैसी जगह में तो ठंड ज्यादा पड़ती नहीं, तो हम क्या करें, हमको तो ठंडी चीजें खानी है, पीनी है। तो चलिए अब हम बनाएंगे एक मजेदार मॉकटेल, ठंडी मॉकटेल। इसे आप ज्यादा ठंडा करना चाहें तो उसमें आइस भी डाल सकते हैं, और सर्दियों के टाइम पीना चाहें तो आइस ना डालें, रूम टेम्परेचर में पिएं और इसका मजा लूटें। सो लेट्स मेक रियल बेसिल गुआवा फ्रूट पंच। आप एक मिक्सी का जार लीजिए, इसमें हम थोड़े से बेसिल के पत्ते तोड़ के डालेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आती है बेसिल की। ओके, अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पपीते के टुकड़े। सो आप एक वेज ले लीजिए पपीते का एंड उसे रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि हमने इसे मिक्सर में डालना है। एंड इसे हम डाल देंगे हमारे मिक्सर में। इसी तरह आप एक या दो पीसेस वेजेस ले लीजिए कीवी के, उसे भी रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि हम ब्लेंड करने वाले हैं इसलिए इसे बारीकी से चॉप करने की जरूरत नहीं है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैजिक, हम इसमें डालेंगे ग्वावा जूस, रियल का ग्वावा जूस। अब ग्वावा जो होता है वो आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन हमेशा ग्वावा अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आप यूज कर सकते हैं ग्वावा जूस रियल का। वो आप इसमें अब डालिए मिक्सर के जार में। यूजुअली हम पानी यूज करते हैं फ्रूट्स के साथ मिक्स करके जब भी हम जूस बनाते हैं, लेकिन यहाँ जब हम एक जूस यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, एक तो आप एक और फ्रूट ऐड कर रहे हैं और दूसरी बात जिसका टेस्ट है वो और भी अच्छा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बोलिए, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ओके, सो ये तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक ग्लास, उसमें इस जूस को पोर कर देंगे। ये हमने जानबूझ के थिक रखा है बिकॉज हम चाहते हैं कि सारे फ्रूट्स के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंटैक्ट रहे। अब इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगाने के लिए, दिखाने के लिए, इसमें हम थोड़े से बारीकी से चॉप किए हुए फ्रूट्स ऊपर डाल देंगे। इसको हल्के हाथ से आप डालिए ताकि ये ऊपर रहे। अब इस पे हम डाल देते हैं थोड़े से बारीकी से चॉप किए हुए कीवीज। अब अगर आपके पास हो घर में तो आप थोड़े से चॉप्ड लीची भी ले सकते हैं, इसे इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा लगा दीजिए, थोड़ा सा और ये अट्रैक्टिव लगेगा। मैंने कैंड लीचीज यूज किए हैं, पर आप चाहें तो फ्रेश, अगर जब सीजन में हो आप उसे यूज कर सकते हैं। फिर आप लीजिए एक बेसिल का पत्ता, इसे इस तरह से इसके ऊपर हम लगा देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कीवी का स्लाइस लीजिए। एंड माय फेवरेट स्मॉल लिटिल अम्ब्रेला, इस तरह से इसके अंदर डाल दिया हमने। एंड हियर यू गो, हमारा रियल बेसिल गुआवा फ्रूट पंच तैयार है। देख लीजिए इसका क्विक रिकैप और याद रखिए इसमें बहुत 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 सारे न्यूट्रिशन है, तो इसलिए आप इसे जरूर बनाइए और अपने बच्चों को जरूर पिलाइए। हैव अ लुक एट द रिकैप। रियल बेसिल गुआवा फ्रूट पंच बनाने के लिए एक मिक्सर में डालें 3 बड़े चम्मच छोटे छोटे कटे बेसिल के पत्ते, 8 बड़े चम्मच छोटे छोटे कटे पपीते के टुकड़े, 8 बड़े चम्मच छोटे छोटे कीवी के टुकड़े, 3 कप रियल गुआवा जूस और इसे ब्लेंड कर लें। अब इसे ग्लासेस में डाल लें, फिर इसमें डालें थोड़ा छोटा छोटा कटा पपीता, कीवी के टुकड़े, 8 बड़े चम्मच छोटे छोटे कटे लीची। अब इसके ऊपर बेसिल के पत्ते, कीवी के टुकड़े और छोटी छतरी डालकर इसे सजा लें। लीजिए, सर्व करने के लिए हो गया आपका रियल बेसिल गुआवा फ्रूट पंच तैयार। जब भी अपने टेनिस क्लास या फुटबॉल क्लास से वापस आता है थका हुआ, बस उसकी एक ही डिमांड होती है, मामा फ्रूट पंच।
तो ऐसे पंचेस, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बनाऊ, क्योंकि ए बच्चा तो खुश ही खुश, साथ में मम्मीज भी खुश, क्योंकि हम इतने सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले फ्रूट्स इन ड्रिंक्स में ऐड करके दे रहे हैं।